मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ पावर बाय टू वाट मीटर मेथड। तो हमें क्या करना है, पावर को मेज़र करना है बाय टू वाट मीटर से। दो वाट मीटर से हम पावर कैसे मेज़र करते हैं, तो सेकेंड यूनिट में थ्री फेज सिस्टम में ये तीसरा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी हर साल पूछी जाती है कि पावर कैसे मेज़र करेंगे टू वाट मीटर मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वाट मीटर क्या होता है। वाट मीटर क्या करता है, पावर को मेज़र करता है। वाट मीटर के अंदर कितनी कॉइल्स होती हैं, वाट मीटर के अंदर दो कॉइल होती हैं, एक होती है करंट कॉइल और एक होती है वोल्टेज कॉइल और प्रेशर कॉइल। जो वोल्टेज कॉइल होती है वो पतली होती है, जो करंट कॉइल होती है वो मोटी होती है। तो वाट मीटर क्या करता है, पावर मेज़र करता है। वाट मीटर में कितनी कॉइल्स होती हैं, दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल का नाम करंट कॉइल, दूसरी कॉइल का नाम वोल्टेज कॉइल। अब वाट मीटर के अंदर पावर मेज़र करने की तीन मेथड्स हैं। पहला है वन वाट मीटर मेथड, दूसरा है टू वाट मीटर मेथड, तीसरा आता है थ्री वाट मीटर मेथड। तो यहाँ पर बोर्ड पे मैंने एक कनेक्शन बनाया है जिसका नाम है टू वाट मीटर मेथड, उससे हम पूरी पावर मेज़र करते हैं। काफ़ी स्टूडेंटों ने बोला था ये वाला डेरिवेशन समझ नहीं आया, इसलिए ये पूरा अपन रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसमें हमने दो वाट मीटर लगाए तो इसको बोलेंगे टू वाट मीटर मेथड। जब हम इसमें एक वाट मीटर लगाएंगे तो हम उसे बोलेंगे वन वाट मीटर मेथड, और अगर हमने तीनों फेजों पे तीन वाट मीटर लगा दिए तो उसको हम बोलेंगे थ्री वाट मीटर मेथड। वन वाट मीटर, टू वाट मीटर एंड थ्री वाट मीटर मेथड। तो एग्ज़ाम में टू वाट मीटर मेथड जनरली पूछा जाता है, हर बार ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मेज़रमेंट अगर पावर को करना है तो टू वाट मीटर मेथड से हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम हमने लिया है। इस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हमने दो वाट मीटर लगाए हैं W1 एंड W2। ये तीन फेस के वायर हैं। कौन कौन से फेस के वायर हैं, A, B एंड C। ये तीनों फेस के वायर हैं, दो वाट मीटर हमने यूज़ किए। तीसरा जो फेस वाला वायर है वो हमने खाली रखा है। दोनों वाट मीटर का दूसरा कनेक्शन सी से है। सी से है मतलब यहाँ पर दो कॉइल बताई मैंने, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है वोल्टेज कॉइल। तो ऊपर वाली जो कॉइल है मोटी वाली उसको बोलते हैं करंट कॉइल, और जो पतली वाली है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो वोल्टेज कॉइल होती है। वो दोनों कॉइलें वोल्टेज कॉइल की सी से कनेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ए बी और सी हम फेजर ड्रॉ डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। इससे पहले हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर का VI cos phi। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। हम यहाँ देखना है कि वाट मीटर किन किन फेजों से कनेक्ट है। तो W1 किस किस से कनेक्ट है देखिए, W1 कनेक्ट है A से और C से। ऐसे ही W2 किस वाट मीटर से कनेक्ट, W2 कौन से फेजों से कनेक्ट है, तो वो होगा B और दूसरा होगा C। तो यहाँ पर देखिए P बराबर होता है फॉर्मूला VI cos phi, WP की जगह मैंने लिखा W1, P की जगह मैंने लिखा W1, V की जगह लिखा VAC, AC इसलिए लिखा मतलब वोल्टेज निकालना है मुझे। दोनों वाटमीटर जो जिस ये वाटमीटर किस किस फेज से कनेक्ट है, तो यहाँ देखिए A पे कनेक्ट है और यहाँ किस से कनेक्ट है, C से। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूँगा तो दोनों टर्मिनल को लूँगा तो वो टर्मिनल होंगे A एंड C। अब आई है, इस आई की जगह जो करंट एक वायर में फ्लो होती है उसमें हम इस वाटमीटर में जो करंट कॉइल है वो यहाँ है, और कौन सी करंट जा रही है, ए वाली। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आई ए, और साथ में क्या लिखा है, कॉस फाइव, ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मैं W2 की बात करूँ तो W2 बराबर कितना होगा, यहाँ पर VBC IB इंटू कॉस फाइव। उसमें अपन VBC को यूज करेंगे, IB को यूज करेंगे और कॉस फाइव को यूज करेंगे। अब हम जो फेजर डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो काई के लिए बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमें वोल्टेज VAC लिख लिया, IA करंट लिख ली, cos phi पावर फैक्टर होता है। ये जो phi है ये phi एंगल है, किस किस का एंगल है, ये जो वोल्टेज आपने लिखा VAC और ये IA, इनके बीच का एंगल हमें निकालना है, उस एंगल को हम कहते हैं phi। अब ये फाई निकालने के लिए हम यहाँ पर पूरा फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर हम वो एंगल निकालेंगे कि एंगल कितना आया। ठीक है, किस किस बीच एंगल निकालना है ध्यान से सुनना, VAC और IA के बीच का एंगल हमें निकालना है, VAC और IA के बीच का एंगल हमको निकालना है। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं।
सभी लोग अपना रोल नंबर एंड ब्रांच डालें, सभी लोग अपना रोल नंबर एंड ब्रांच। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। अब फेजर डायग्राम हमें बनाना है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक वैल्यू लेते हैं वी ए सी, ऐसे ना लेके डायरेक्ट लेते हैं वी ए। यहाँ लिया सपोज अपन ने जस्ट इसके 120 डिग्री पे हमने यहाँ ले लिया वी बी एंड देन 120 डिग्री पे हमने ले लिया वी सी। क्लियर है? पहला सबसे पहले आपको क्या करना है, 120 पे तीन वोल्टेज ड्रॉ करना है। वोल्टेज की वैल्यू हमने लिखी वी ए, दूसरा वी बी एंड तीसरा वी सी। यहाँ पर इसके अंदर जो वोल्टेज एक टर्मिनल ऐसा है उस टर्मिनल को हम कहते हैं सी, जो दोनों में कॉमन है। कैसे? देखिए ए जो है किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, मतलब ये वाटमीटर ए से भी है और सी से भी है। यहाँ देखो ये सी से कनेक्ट है, ऐसे ही ये सेकंड वाटमीटर जो W2 है ये भी B से भी कनेक्ट है और C से भी कनेक्ट है। तो हमें क्या करना है, ये जो C है ये दोनों जगह आएगा, A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस BC को जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर लेंगे। यहां हम लिख देंगे BC। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद ये पूरा एंगल था अपना 120, बीच में से आपने आधा कर दिया, एंगल आपका हो गया 60। यहां पर इस जगह पर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, इस रिजल्टेंट का नाम होगा VAC। ऐसे ही यहां एक वोल्टेज है VB, यहां एक वोल्टेज है VC, हम यहां एक रिजल्टेंट निकालेंगे, उस रिजल्टेंट को हम बोलेंगे VBC। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो वाट मीटर है इनके दोनों के बीच का जो वोल्टेज है, किन किन के वोल्टेज, ए का और सी का, ये ए और सी कौन से वायर हैं, फेस के वायर है कि न्यूट्रल के वायर है, ये हमें देखना है। तो ये जो ए है ये भी फेस है और ये जो सी है ये भी फेस है, इसका मतलब दो फेजों के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज। मतलब यहां पर ये जो बी ए सी है ये क्या कहलाएगा, बी एल कहलाएगा, बी एल का मतलब लाइन वोल्टेज। ऐसे ही यहाँ बी बी सी क्या कहलाएगा, बी एल कहलाएगा, इस बी एल को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ये दोनों फेजों के बीच का वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, ये बी भी फेज है और सी भी फेज है, दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। अब इसके बाद इधर देखिए, यहां पर हमने एक इंडक्टर यूज किया है इसके अंदर, तो इंडक्टर के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब करंट पीछे रहेगी, वोल्टेज आगे रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों वाटमीटर के लिए फेस वोल्टेज में करंट की वैल्यू देखना है। मतलब यहाँ देखिए, सपोज ये बी ए दिख रहा है इस जगह पर, मुझे आई ए ड्रॉ करना है, आई ए फेस करंट ड्रॉ करनी है। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, इसके जस्ट पीछे ड्रॉ करूंगा, IA जस्ट पीछे आएगा, आगे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आगे बना दिया तो वो लीडिंग कहलाएगा, अगर इस पे ही बना दिया तो वो रेजिस्टिव कहलाएगा। हमको पीछे बनाना है क्योंकि यहां हमने इंडक्टर यूज किया है। अब हमने ये जो IA लिया ये VA के पीछे लिया क्योंकि लैगिंग है, और यहां ये जो एंगल है इस एंगल को हम कहते हैं फाई, ये एंगल कहलाता है फाई। अब ऐसे ही हमें इस VB के लिए करंट ड्रॉ करनी है, वो करंट ड्रॉ करनी है जो पीछे हो, लैगिंग हो। तो लैगिंग के लिए यहां पर इस जगह पर करंट ड्रॉ होगी, उस करंट को हम कहेंगे आई बी, ठीक। और ये जो एंगल होगा ये वी बी और ये आई बी के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहते हैं फाई। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, एक वोल्टेज लिया वी ए जस्ट 120 डिग्री पे, दूसरा वोल्टेज लिया वी बी, फिर 120 डिग्री पे तीसरा वोल्टेज लिया वी सी।
इस वीसी को जस्ट अपोजिट ड्रॉ किया, जस्ट अपोजिट ड्रॉ किया तो वो कहलाता है बीसी। अब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट हमने निकाला वो कहलाएगा बीएसी। बीसी और बी के बीच में, बीबीबी के बीच में रिजल्टेंट निकाला वो कहलाएगा बीबीसी। अब हमें फेस वोल्टेज के साथ करंट को भी देखना है कि कौन सी करंट है, तो यहाँ ये दोनों करंट लेग करेंगी, तो आई ए इधर आएगा और आई बी इधर आएगा। अब लास्ट ये जो आई बी होता है ये फेस करंट होती है। कौन सी करंट? फेस करंट। तो ये सिस्टम पूरा स्टार में है और स्टार के अंदर जो फेस करंट होती है वही लाइन करंट होगी, मतलब आई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई एल। ऐसे ही यहाँ जो आई ए लिखा है ये आई ए भी कौन सी करंट है? यहाँ लिख रहा हूँ इधर साइड में आई ए इक्वल टू होगा आई पी और आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एल। क्यों होगा? क्योंकि स्टार में करंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेस करंट और लाइन करंट दोनों के इक्वल होती हैं, ये हम देख चुके हैं पहले। तो यहाँ आई ए बराबर भी क्या होगा? आई एल। आई पी बराबर क्या हो जाएगा? आई एल। आई पी की जगह आई पी और आई पी बराबर आई एल, मतलब तीनों जो है लाइन करंट कहलाएंगी। अब ध्यान से सुनना लास्ट अगला पॉइंट, हमको यहाँ क्या करना है। यहाँ देखिए हमें बी एस सी वोल्टेज और आई ए ये जो दो वोल्टेज और करंट हैं इनके बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। इसका मतलब देखिए यहाँ दिख रहा है बी ए सी और यहाँ दिख रहा है आई ए, तो इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। ये एंगल आपको देखना पड़ेगा, ये वाला बीच वाला। इस एंगल को कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ बी ए लिया था, फिर बी बी लिया था, ये एंगल 120 था, 120 में से मैंने आधा किया तो कितना हो गया 60, 60 में से भी बीच में एक लाइन खींची तो कितना हो गया 30, 30 में से ये फाइव चला गया तो 30 में से जब फाइव चला जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 30 माइनस 5। ठीक ऐसे ही हम यहाँ देखिए इधर ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है पूरा 30, हमने फाइव को बाहर रखा। अब मैं पूछ रहा हूँ इस आई बी से लेकर इस बी बी सी के बीच का एंगल, तो इसको हम बोलेंगे कितना होगा ये 30 प्लस 5, मतलब यहाँ जो W1 बराबर VLIL, VAC की जगह मैंने VL लिखा, IA की जगह IL लिखा, cos की जगह cos लिखा, phi की जगह मैं लिखूंगा cos कितना 30 माइनस 5। ऐसी W2 की बात कर रहा हूँ तो W2 बराबर होगा VLIL cos, यहाँ कितना लिख सकते हैं अपन 30 प्लस 5। ये दोनों जो फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दो। ये W1 W2 निकालने को आता है वाटमीटर की रीडिंग, तो वोल्टेज हमें मालूम होना चाहिए, एंगल मालूम होगा तो हम W1 W2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक आप ये फेजर अभी जल्दी से बनाइए और ये फॉर्मूला लिखिए, फिर आगे अपन इसको पूरा कैलकुलेशन करते हैं। और जो लोग ऑनलाइन आ गए हैं अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर डालिए। हाँ जी, ये जो फेजर हमने बनाया
ये फेजर से हमें सिर्फ एंगल पता चलेगा कि बी एसी और आईए के बीच का एंगल कितना है एंड बी बीसी और आईबी के बीच का एंगल कितना है। तो डब्ल्यू वन में आएगा 30-5 और डब्ल्यू टू में आएगा 30+5। अब आगे अपन को क्या करना है देखिए, W1 हमारे पास आया VL IL cos 30-5, W2 आया VL IL cos 30+5। हमें क्या करना है, एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार दोनों को माइनस करना है। तो दोनों को प्लस करेंगे, W1 प्लस W2 बराबर इन दोनों में कॉमन क्या है, VL IL कॉमन आ गया, अंदर बचेगा cos 30-5 प्लस यहां से बचेगा cos 30+5। ठीक है, अब हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम w1 प्लस w2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो फॉर्मूले से निकालेंगे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 2 cos a cos b बराबर होगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2 cos a cos b का। अब इसके अंदर पुट करें तो a की जगह 30, b की जगह क्या हो गया 5। तो अब यहां रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, w1 प्लस w2, देखिए w1 प्लस w2 बराबर यहां से VL IL तो as it is रहेगा, ठीक है 2 as it is, ये 2 cos a मतलब कितना हो गया cos 30 into cos b मतलब 5। अब cos 30 कितना होता है, तो VL IL 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल और cos 5 as it is। तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √3 VL IL cos 5। किसकी वैल्यू आ गई है, W1 plus W2। इसको जल्दी सुनाइए, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा W1 plus W2 की वैल्यू कितनी आई, √3 VL IL cos 5। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फार्मूला इंपॉर्टेंट, फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूले से ये पूरा डायरेक्शन आपसे बन जाएगा। अब इसके बाद हमें दोनों को माइनस करना है, माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, w1 माइनस w2 इधर देख लें, w1 माइनस w2 करा तो यहां बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां जो फॉर्मूला आएगा वो 2 cos a cos b का नहीं आएगा, अब आएगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला। और 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a minus b minus cos a plus b, बीच में माइनस रहेगा, cos की जगह cos, a plus b इधर माइनस, और ये और फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b। तो उस केस में यहां माइनस रहेगा w1 minus w2, देखें इधर बोर्ड पे w1 minus w2 बराबर VL IL as it is रहेगा 2, ये वाला फॉर्मूले का sin a, तो cos की जगह क्या हो जाएगा sin a, a मतलब कितना हो गया sin 30 और cos 5 की जगह यहां कितना हो जाएगा sin 5, ठीक है। अब यहां पर जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 2 sin a sin b का फार्मूला और साथ में VL into IL,
साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो बी एल आई एल इंटू टू इंटू साइन थर्टी 1/2, साथ में आएगा साइन फाइव, टू से ये टू कैंसिल, तो हमें यहाँ मिलेगा बी एल आई एल साइन फाइव। ये कब मिल रहा है, जब दोनों को माइनस किया, किन दोनों को माइनस किया, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू किया, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू हमें मिला बी एल आई एल साइन फाइव, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर टू। जल्दी से उतारिए इसको भी, जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू कितना आया बी एल आई एल साइन फाइव, और डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू कितना आया था रूट थ्री बी एल आई एल कॉस फाइव। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर वन, मतलब ऊपर रखेंगे हम W1 माइनस W2 और नीचे रखेंगे W1 प्लस W2, दोनों को डिवाइड करना है। W2 बराबर था रूट थ्री बी एल आई एल कॉस फाइव, ये हमारे पास आया था, और W1 माइनस W2 बराबर आया था वी एल आई एल साइन फाइव। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर वन, इसको बोला इक्वेशन नंबर टू। अब डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर टू, मतलब ऊपर लिखेंगे W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये वैल्यू पहले बाद में ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बी एल आई एल साइन फाइव अपॉन रूट थ्री बी एल आई एल कॉस फाइव। ये साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं टेन फाइव, और बी एल से ये बी एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा वन अपॉन रूट थ्री, साथ में ऊपर आएगा टेन फाइव। इसकी वैल्यू आई है अपने पास W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। अगर मुझे टेन फाइव की वैल्यू चाहिए, टेन फाइव तो बराबर कितना होगा रूट थ्री W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये आपका टेन पाई की वैल्यू आएगी। कितना होता है,
टेन फाइव बराबर रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉइंट डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू आया, और अगर फाई निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉइंट डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये इनवर्स में आएगा ऐसा, रूट थ्री टेन इनवर्स रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये इनवर्स करके अपन को फाई की वैल्यू क्यों निकालनी पड़े। क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछता है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो दो चीजें आपसे पूछेगा, पहला पूछेगा टोटल पावर और दूसरा पूछता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला या सिंबल होता है कॉस फाई, तो कॉस फाई अगर निकालना है तो उसके लिए हमें फाई निकालना पड़ेगा और हम फिर उसके बाद निकालेंगे कॉस फाई। जैसे सपोज फाई की वैल्यू आई 60 डिग्री और मुझे कॉस फाई निकालना है तो कॉस 60 निकालूंगा, वो पावर फैक्टर आएगा और उसकी यूनिट लैगिंग में होगी, ठीक है। तो यहां से तो पावर फैक्टर निकल गया। दूसरी चीज जो आपसे पूछता है वो पूछता है टोटल पावर। टोटल पावर, तो टोटल पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, अगर कोई सा भी वाट मीटर है, टू वाट मीटर थ्री वाट मीटर, तो टोटल पावर उसके लिए हम लिखेंगे W1 प्लस W2, दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग होगी, दोनों वाट मीटर की जो वैल्यूज होगी उनको आप क्या करो, प्लस कर दो, तो टोटल पावर आ जाएगी। और उसके बाद पावर फैक्टर अगर पूछ रहा है आपसे तो फाई की वैल्यू निकालना पड़ेगी, टेन इनवर्स करेंगे रूट थ्री, पहले इन दोनों को माइनस फिर प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री का, इसके बाद फिर टेन इनवर्स करके वो वैल्यू लिखेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई के साथ कॉस की वैल्यू, कॉस फाई रखेंगे तो पावर फैक्टर आएगा, देन उसके बाद टोटल पावर आ जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट वाट में होगी, इसकी यूनिट लैगिंग में होगी, तो यहाँ जो वाट मीटर पावर आएगी टोटल उसकी यूनिट वाट में, वो पावर फैक्टर की जो यूनिट होगी वो लैगिंग होगी, है ना, ठीक है। तो अगली क्लास में इसके बेस न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है। और जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के टेस्ट के अभी आंसर नहीं भेजे हैं वो आज आंसर भेजें ताकि मैं कॉपी चेक कर पाऊँ, ठीक है। अभी दो तीन मिनट बाद आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ओके, थैंक्स। लोग भी ऑनलाइन आए हैं अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर जरूर डालिए, ब्रांच एंड रोल नंबर।